हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 32। 1 से लेकर 31 तक सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग प्लीज वहां से जाके उन सारे वीडियोस को चेकआउट करिए। सेकंड थिंग, हमारे इन सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि लर्न स्पॉट के नाम से है, वहां पर सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए और डेली इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवाइज करिए। जब आप रिवाइज करते हैं तो स्कीम्स माइंड मैप के फॉर्म में आपके दिमाग में छप जाती है, और साथ ही साथ जो इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं या रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए तैयार भी हो जाते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए एंड देन थर्ड स्टेप में रिवाइज करिए। अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, आरबीआई, ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, ठीक है, एफसीआई, एजीएम, इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन ऑल द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ भी गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा पेपर में पूछी जाती है। अभी जैसे कि सेबी का इंटरव्यू लगा है, तो अगर आप तब भी इसको स्कीम के सीरीज को देखते हैं, देन यू विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वेब सीरीज, सॉरी सीरीज। ठीक है, तो आइए, आज की जो स्कीम है उसका नाम है श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम का मतलब होता है श्रमिक, ठीक है, जो लोग लेबर होते हैं, जो काम करते हैं। अब लेबर इन द सेंस वो लेबर नहीं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो लेबर भी जो एक फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं। सुविधा मतलब उसको आसान बना दिया गया है, इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। अब देखते हैं गाइज, इसके जो की फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कुछ की फैक्ट्स हैं। सबसे पहला है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको डेवलप किया है, एक यूनिफाइड वेब पोर्टल है। यूनिफाइड का मतलब जहां पर सारी ही चीजें अवेलेबल होंगी, श्रम सुविधा पोर्टल के नाम से, जो कि 2014 में बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉस। जितने भी भारत सरकार के लेबर लॉज हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए इस प्रकार के पोर्टल का डेवलपमेंट किया गया है, और जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, ठीक है, उसको भी आसानी के साथ कैटर आउट करा जा सके, इसके लिए बनाया गया। चार मेन मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी हैं। पहला है ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, ठीक है, चीफ लेबर कमिश्नर है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द माइन सेफ्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा लेबर माइन सेक्टर में है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ और ईएसआईसी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये चार ऑर्गेनाइजेशन है, याद रख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इस पोर्टल का जो ऑब्जेक्टिव है, इज टू कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर इंस्पेक्शन एंड इट्स इन्फोर्समेंट। अब एक फैक्ट्री में एक लेबर अगर काम कर रहा है तो कितनी देर काम कर रहा है, उसको कितनी मिनिमम सैलरी मिल रही है, उसकी जो सेफ्टी कंसर्न है वो सारे मेंटेन किए जा रहे हैं, उसकी सोशल नीड्स को डेवलप किया जा रहा है, उसको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इन सारी चीजों को कैटर आउट करना या इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इट विल लेड टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंस्पेक्शन, क्योंकि देखिए, जब जितनी भी सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में जाती जाती हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आती जाती है। द कंप्लाइंस वुड बी रिपोर्टेबल इन सिंगल हार्मोनाइज्ड फॉर्म, विच विल मेक इट सिंपल एंड इजी फॉर दोस फिलिंग सच फॉर्म। एक सिंगल हार्मोनाइज्ड फॉर्म है, हार्मोनाइज्ड मतलब सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड वे में लिखी हुई है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना भी काफी आसान होगा, क्योंकि लेबर्स जनरली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं ऐसा माना जाता है। द परफॉर्मेंस विल बी मॉनिटर्ड यूजिंग की इंडिकेटर्स एंड थस मेकिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस सो स्मूथ। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ अ कॉमन लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखिए, एलआईएन का पेपर में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा आपको इस पोर्टल पे जब आप जाएंगे। अब इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना लेबर लॉस और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, 2014 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो गाइस, हमारे ये वीडियो की इतनी ही पार्ट है। तो अगर आपको ये स्कीम अच्छे से समझ में आ गई हो तो एक लाइक जरूर बनता है, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम मैं नहीं कहता आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब जगह जाओ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर सब पीडीएफ अवेलेबल है, और साथ ही साथ वहां पर हमारे क्वांट, ठीक है, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और वोकैब, इन सारी चीजों के भी पीडीएफ और फ्लायर्स डेली के अवेलेबल होते हैं। डेली हम लोग एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगा हो तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू। बाय।